हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं स्नेहा और आज की वीडियो होने वाली है मिंत्रा हॉल वीडियो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मैं एथनिक वेयर की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा वेस्टर्न की तरफ जाते हैं। तो मैंने परचेस किया है मिंत्रा से कुछ टॉप्स और ट्यूनिक्स। तो आज की वीडियो में टोटल 5 सेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें 3 टॉप है और 2 ट्यूनिक्स है। और सारे सेट जो हैं वो समर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कम्फर्टेबल फैब्रिक है और कलर भी सबके बहुत ही प्यारे हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो शुरू। तो फ्रेंड्स, मैंने परचेस किए हैं टोटल 5 सेट्स और सभी जो हैं वो कॉटन फैब्रिक के हैं, तो बिल्कुल कंफर्टेबल है समर्स के अकॉर्डिंग। जितने भी सेट्स मैंने परचेस किए हैं, ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, मतलब वेस्ट के नीचे तक ये आपको आएंगे, तो बिल्कुल कंफर्टेबली आप इसे जीन्स के साथ कैरी करिए तो बहुत ही स्मार्ट लुक आएगा। तो चलिए एक एक करके इसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट पीस है मेरा ये ग्रे और ऑरेंज प्रिंट में टॉप। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टॉप नहीं है। लेंथ इसकी इस तरीके से आएगी, जैसे शॉर्ट कुर्ती होती है उसी तरीके का इसका लुक आएगा। तो आगे आपको मिलेगा वी नेक और पीछे हाफ इस तरीके से कॉलर बना है। इसका ब्रांड है हेयर एंड नाउ और इसमें मेरा साइज़ है L। और ये है इसकी स्लीव्स और इस तरीके से इसका पूरा पैटर्न आएगा। तो पूरी शॉर्ट इस तरीके से टॉप आएगी, बैक में भी आपको इसी तरीके का प्रिंट मिलेगा और आगे इस तरह से बटन बने हुए हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉप या शॉर्ट कुर्ती, जो भी आप इसे कह लें। तो मुझे इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा लगा, एकदम सॉफ्ट कॉटन है, एकदम कंफर्टेबल फैब्रिक है समर्स के अकॉर्डिंग। तो ये रहे हमारी फर्स्ट टॉप। चलिए अपना नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पीस है ये वाइट और पिंक शेड में टॉप। इस तरीके से ये लॉन्ग टॉप आएगी, ये भी प्योर कॉटन का फैब्रिक है। इसका ब्रांड भी हेयर एंड नाउ है और इसमें भी मेरा साइज़ है L। तो इस तरीके से इसका प्रिंट बना हुआ है पिंक और वाइट पैटर्न में। स्लीव्स इसकी थोड़ी सी फुल आएगी, लेकिन पहनने पे बहुत ही स्मार्ट लुक आ रहा है इसका, इसलिए मैंने इसे परचेस किया है। तो इस तरीके से इसका प्रिंट है, आगे इस तरीके का आपको नेक मिलेगा और नीचे जो है वो ये हुक लगे हुए हैं, इस तरीके से हुक लगे हैं इसमें। तो सिंपल सी बिल्कुल टॉप है, कंफर्टेबल फैब्रिक है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है। साइड में जो है इस तरीके से आपको स्लिट मिलेगा इसमें। तो मुझे भी ये पीस बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, एकदम प्योर कॉटन का फैब्रिक है और कलर भी समर्स के हिसाब से बहुत ही सही है। तो मुझे ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारी लगी। तो चलिए अपना नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पीस जो मैंने परचेस किया है, ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा एकदम पीच कलर का ट्यूनिक। आगे आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा एम्ब्रॉयडरी बना हुआ है, फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी की हुई है और थोड़े थोड़े से सितारे लगे हुए हैं। तो ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा फ्रेंड्स, पहनने पे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो ये रंगरीति ब्रांड का है और इसमें मेरा साइज़ है L। तो आगे फ्रंट में आपको मिलेगी एम्ब्रॉयडरी और ये थोड़ा सा ट्यूनिक जो है पैटर्न में है, तो इस तरीके से आपको नीचे थोड़ा सा फ्रॉक टाइप का ओपन हो जाएगा। तो इसकी भी लेंथ आप देख सकते हैं कि ज़्यादा है, इस तरीके से इसका पैटर्न आएगा। इसकी स्लीव्स बहुत ही अच्छी हैं, इस तरीके से थोड़ी सी पफ स्लीव्स आएंगी नीचे की तरफ और स्लीव्स में भी इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और साथ में सितारे वगैरह लगे हुए हैं। तो इस तरीके की इसकी स्लीव आएगी और बैक आएगी इसकी पूरी प्लेन। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी टॉप लगी फ्रेंड्स, पहनने पे इसका एकदम बहुत ही स्मार्ट लुक आ रहा था। तो इसका फैब्रिक भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉटन और रेयॉन मिक्स है, लेकिन जो है वो बहुत ही हल्का फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा मोटा वाला रेयॉन नहीं है, कंफर्टेबल फैब्रिक है, समर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो ये कुर्ती भी मुझे बहुत ही प्यारी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पीस जो मैंने परचेस किया है, ये है मैरून कलर का टॉप। इस तरीके का ये प्रिंटेड टॉप है, इसका ब्रांड भी हेयर एंड नाउ है और इसमें मेरा साइज़ है L। तो इस तरीके से पूरा प्रिंट आएगा। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसे परचेस करूं, लेकिन इसमें मेरा साइज़ जो है वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। तो इस बार मैंने इसे परचेस किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप है, प्रिंट बहुत ही प्यारा बना है। इस तरीके से आएगी इसकी 3/4 स्लीव्स और बैग भी इसी तरीके से प्रिंटेड है। आगे इसके फ्रंट में जो है वो हुक लगे हुए हैं, इस तरीके से हुक जो है लगे हैं। तो बहुत ही प्लेन टॉप है, लेकिन प्रिंट बहुत ही प्यारा है, तो पहनने पे बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो इसमें भी मुझे जो है इसका फैब्रिक जो है वही रेयॉन और कॉटन मिक्स है, लेकिन हल्का फैब्रिक है, कंफर्टेबल फैब्रिक है समर्स के हिसाब से। तो ये पीस भी बहुत ही प्यारा है गाइज, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी का ट्राई ऑन मैं साइड में शेयर करूँगी, तो आप इसे समझ पाएंगे इसका फुल लुक के पहनने पे ये कैसे लग रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉप, तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो लास्ट पीस है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्यूनिक, ये भी लॉन्ग ट्यूनिक है, वर्क आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा किया हुआ है। ये जूनिपर ब्रांड का है और इसमें मेरा साइज़ है L, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो है ट्यूनिक कह सकते हैं आप इसे। ये भी लॉन्ग ट्यूनिक है, इस तरीके से आपको कलरफुल एम्ब्रॉयडरी आगे फ्रंट में मिलेगी, हल्के फुल्के से सितारे भी लगे हुए हैं इसमें। तो मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ, इस तरीके से फ्रंट में इसका ये लुक आएगा। ट्यूनिक पैटर्न है इसका, तो इस तरीके से थोड़ा नीचे जाके फ्रॉक पैटर्न हो जाता है, और इसकी स्लीव्स भी थोड़ी सी पफ आएंगी, इस तरीके से जो है इसकी स्लीव्स बनी हुई है। बीच में आपको ये भी एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा, और नीचे जो है ये इस तरीके से इलास्टिक लगी हुई है। बैक जो है इसकी पूरी प्लेन है, फैब्रिक बहुत ही औसम है गाइस, एकदम कंफर्टेबल कॉटन फैब्रिक है, प्योर कॉटन फैब्रिक है, और पूरी टॉप में जो है वो सेल्फ डिज़ाइन बनी हुई है इस तरीके से, और आगे जो है इस तरीके की लेस वगैरह लगी हुई है। तो बहुत ही प्यारी टॉप है, आप इस टॉप को ज़रूर चेकआउट करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक। तो ये रही हमारी लास्ट टॉप, लेकिन बहुत ही कमाल की टॉप, तो इस टॉप को ज़रूर चेकआउट करिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज जितनी भी टॉप और ट्यूनिक्स मैंने आपके साथ शेयर की है वो समर्स के हिसाब से बिल्कुल कम्फर्टेबल है, और सारे ही टॉप्स बहुत ही प्यारे हैं। सभी का ट्राई ऑन मैं साइड में शेयर करूँगी, तो आपको इनका फुल लुक समझ में आएगा। आपको इनमें से कौन सी टॉप या ट्यूनिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।